यार आज ना मैं बनाने वाला हूँ जिंगर बर्गर, और वो भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से। आज तक सातवां रोजा मैंने कभी इफ्तारी के बाद कुछ स्पेशल खाया है, और वो भी खुद बनाकर। फार्मी मुर्गी को इफ्तारी से पहले ही मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने कहा इफ्तारी के फौरन बाद इसको बनाकर तोन लूंगा। सबसे पहले मैं चिकन का पीस लेके इसके अच्छे से मैदे में कोटिंग की, और इसी चिकन पीस को ठंडे पानी में भी डुबोना है अच्छे से। अब चिकन का पीस रेडी हो गया तेल में तड़पने के लिए। बाकी यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन पर लात मार दे, क्योंकि मेरे जैसी रेसिपी आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसे ही तो मैं नहीं बोल देता भाई, पूरे 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और भाई कल की इफ्तारी हमें मजबूरन रोड पे करनी पड़ी, जिसने अभी तक व्लॉग नहीं देखा भाई जल्दी से जाके देख लो। चिकन का पीस हो रहा तब तक जो है मैं अपनी ब्रेड भी रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने ब्रेड पे लगाई चेकअप, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रंग बिरंगी सॉस भी लगा दी, ताकि भाई बर्गर हमारा फुल वीआईपी बन जाए। मुझे सलाद पत्ता बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये भी रख दिया। और फाइनली हमारा जिंगर भी बनकर रेडी हो गया है। मुझे तो यार मस्टर्ड सॉस भी काफी अच्छी लगती है। बाकी यार आप सबके रोजे कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लास्ट में मैंने थोड़ी सी चेकअप और डाल दी थी, क्योंकि सारा टेस्ट चेकअप का होता है। फाइनली हमारा जिंगर बर्गर रेडी हो गया तुनने के लिए। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। यार टेस्ट इसका सच में बड़ा ही वीआईपी था। मुझे तो यार अपना खुद का जानी फ्राई चिकन खोल लेना चाहिए। ओके बाय गाइस।